गाइस, तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं उसको हम लोग थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चलेगा कि हम आज क्या चीज बनाने वाले हैं। तो भाई ने सोचा कि तो हम लोग जो है वो बनाने वाले हैं सारा कुछ जो है ना, सामान प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ एकदम रखे हुए हैं। ये हो गया आपका, उसके बाद ये सोया सॉस हो गया, ये कॉन्टिनेंटल सॉस हो गया, और ये है आपका टमाटो सॉस। चार मिर्ची काट रखे हैं, लहसुन था और ये डालना है आपको, ये अदरक डालना है एक अदरक, और चार प्याज डालना है, और यहाँ पे चार जो है ना टमाटो का जो है उसको मिक्सचर मशीन में जो है पीस दिए हैं, और ये आपका हो गया सॉस सारा कुछ। सॉस जो है थोड़ा थोड़ा में चार चार चम्मच हर एक, ये सब जो है ना चार चम्मच डाल देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो गया 250 ग्राम पनीर है, गरम होगा, ठीक है गाइस। मैं पहली बार बना रहा हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना हाथों से जो है अभी मैं खिलाने वाला हूँ सबको। और लहसुन और अदरक का जो ये है ना, सबसे पहले ये डालना है, और सब तो अभी जो है इसको हम गरम तेल में डालना है, थोड़ा गरम तेल कर लेना है सबसे पहले नॉर्मल में, इसके बाद इसको डाल देना है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ब्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अपने भाई के लिए थम्स अप करें, और कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसा लगा। आपको वैसे टेस्ट नहीं, आप सिर्फ देख सकते हैं। प्याज सारा डालूंगा, ठीक है, सारा प्याज थोड़ा हल्का जो है गैस कर दीजिएगा, जब ये हल्का भूजेगा उसके बाद हम इससे मिर्ची डालेंगे। मिर्ची इसलिए बाद में डालेंगे क्योंकि थोड़ा अगर खाते वक्त थोड़ा मिर्ची लगना चाहिए जो भी खाएंगे। देख सकते हैं ये कलर इसका जो है, आप प्याज का कलर हल्का हो गया है, ठीक है। अब जो है इसमें हम मिर्ची डालेंगे, जितना चार पीस काटे हैं मिर्ची, सारा मिर्ची डालना है भाई, जो भी खाएगा ना आप समझ रहे हैं मिर्ची में कितना वो तीखा होता है। तो मैं सारा डाल देता हूँ भाई, काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने हाथों को आज जो है मैं अपने पापा को जो है खास कर खिलाऊँगा, बना के देखता हूँ वो कैसा बोलते हैं टेस्ट, आपको रिएक्शन मैं बताऊंगा। हो सकता है तो हम इसको थोड़ा ला देते हैं, चला देते हैं, ठीक है। तो बता दें, ये तो आप चार सॉस देख रहे हैं ना, ये आप जो चार चार चम्मच एक कटोरी में रखे होंगे ना, मिक्स किए होंगे सारा चार चम्मच, तो उसमें ना दो स्पून जो है दो चम्मच इसमें चीनी डाल देना है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डाला हूँ क्योंकि छोटा चम्मच है ना, इसलिए मीठा भी होना चाहिए। गल गया है प्याज और ये काफ़ी जल गया है, मैं थोड़ा देर के लिए बाहर नहीं गया, सारा कुछ जो है थोड़ा जल गया है, तो अभी इसमें ना वो जो है ना उसमें चीनी घुला नहीं है। तो गाइस मैं अभी इसमें थोड़ा टमाटर जो काफ़ी ज़्यादा टमाटर जो है इसमें मिक्स कर लिया था, तो इसको अभी मैं टेस्ट कर देता हूँ। कलर लग रहा है, आप कमेंट करके बताएं गाइस क्या मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। सकते हैं गाइस अभी इसमें थोड़ा सा बुलबुला जब छूटेगा, सकते हैं गाइस बुलबुला छूट रहा है ना, तो अब इसमें ना जितना पनीर है मात्रा वो सब इसमें डाल देंगे, सारा पनीर मैं डाल देता हूँ एक एक करके। आप इसको पनीर को जो है फ्राई करके भी थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि मैं बिना फ्राई के डाला हूँ, कि फ्राई करने के बाद ना ये पनीर का जो टुकड़ा है ना ये थोड़ा कड़ा हो जाता है। गाइस अब जो है स्वाद अनुसार रख सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा रखा हूँ क्योंकि पनीर का मात्रा और सब कुछ मटेरियल को देखते हुए मैं थोड़ा सा नमक दिया हूँ, बट अपने स्वाद अनुसार जो है आप दीजिएगा नमक, दो चम्मच नहीं दे दीजिएगा कि जहर हो जाए एकदम। तो अब इसमें जो है दो चार मिनट के लिए जो है ढक्कन से आपको ढक देना है, कढ़ाई का जो ढक्कन होगा ना उससे। मैं अभी आपको स्वाद तो गाइस आ रहा है लेकिन ज्यादा नमक पर क्या ही लग रहा है, सकते हो देख सकते हैं गाइस। हाँ गाइस स्वाद तो गाइस आ रहा है, दो मिनट के लिए बाय गाइस। लगभग अब जो है वो बन गया है, लेकिन गाइस आप देख सकते हैं पनीर का जो मात्रा है ना वो लगभग ठीक है, लेकिन पनीर में ना वो इसका कलर नहीं आया पनीर में गाइस। फिर भी इसके बाद मैं आटा सानूंगा, वो भी आप देखना
ठीक है गाइस, अब जो है मैं आटा सानूंगा, इसका परोठा बनेगा। ठीक है, परोठा तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आटा सानूंगा। गाइस मैं भी आटा सान रहा हूँ, देख सकते हो घर। गाइस मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। बंद कर दो। स्टार्ट। गाइस अभी खा रहा हूँ, काफी अच्छा बना है गाइस। बस क्या है ना, ये जो पनीर है ना उसका रंग दिख रहा है ना, रंग जो है नहीं दिख रहा, वैसा अच्छा बना है पनीर। तो गाइस जो है कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मेरे वीडियो देख के आप बना रहे हैं तो एक बार जो है क्रेडिट जरूर देना। बाकी कैसा लगा ये ब्लॉग आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर पहली बार चैनल पे आओ तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एक शेयर जरूर करें। देखिए गाइस आप लोग भी खा लीजिए कैसा है, देख लीजिए।